कि ये सत्य की विजय है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तानाशाही के खिलाफ अंतरिम बिल भी एक लड़ाई का हिस्सा है। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। अरविंद केजरीवाल को कार्यकर्ता भी सुनना चाहते हैं, कब संबोधन होगा? अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को तिहाड़ से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वो दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जरूर संबोधित करेंगे। थीम बदल जाएगी जेल का जवाब बोर्ड से? देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया। देखिए, पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। जेल तो तानाशाही का ही प्रतीक है, जेल में जिस तरह से उन्होंने डाला हो तो तानाशाही तो उनकी जारी है। तो जैसे उसी तानाशाही के खिलाफ अंतरिम बिल भी एक लड़ाई का हिस्सा है, अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे।